किसान भाइयों, राम राम और सत श्री अकाल भी सभी को। तो मैं हूँ अक्षय जाखड़ और आप देख रहे हैं पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो भाइयों, अपने आज रिव्यू करने वाले हैं भाई न्यू हॉलैंड की कंबाइन का। तो अपने साथ में भाई साहब है, इनसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार भाई, सभी जो दर्शक तो देख रहे हैं सबको राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं पवनदीप सिंह न्यू हॉलैंड कंबाइन से। आज आपको कंबाइन के बारे में देंगे जानकारी, अन्य कंबाइन और अपनी कंबाइन में क्या फ़र्क है उसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। हाँ, स्टार्ट कर दीजिए। अपने फ्रंट से ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फ्रंट से भाई साहब, पहले क्या कंबाइन का कह रहे हैं मूव मैन के, चलो कंबाइन लाइन में क्या होता है, सबसे पहले कटर आता है। जैसे कंबाइन का स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम जैसे स्टार्ट करते हैं उसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं। पहले आप कटर का रिव्यू करते हैं, उसमें क्या क्या अपना अलग है। भाई जी, अपना लोकल अपना टोटल है 15 फुट कटिंग है, टोटल है 16 फुट का। अच्छा, जो हाँ, और कटिंग एरिया 15 फुट है। जो अदर कॉम्पिटिटर आते हैं अपने, जैसे कोई भी लगा लो, जो लोकल कंबाइन आती हैं जिसमें सभी आती है, उसमें 14 फुट कटिंग होती है। अपने में क्या 15 फुट कटिंग है। एक सबसे एडवांस चीज़ है, एक फुट की कटिंग एक्स्ट्रा है, खुद की है। हाँ नहीं नहीं हाँ, बाकी से सभी में 14 आता है, अपने में 15 है। अच्छा, इसलिए हाँ। तो इसमें मतलब कि ये जो ये देखिए, बाकी क्वालिटी वाइज देखें तो इसकी बात करता हूँ। ये अपना ब्लेड आ गया, ब्लेड में आम में क्या रहता है, यहाँ पर रिपट सिस्टम रहता है। तो अपने में नट बोल्ट इजी चेंज करने के लिए सबसे बड़ी खासियत ये है, ये इजी चेंज हो जाता है, आसानी से चेंज हो जाता है। क्योंकि फील्ड में चलते टाइम, क्योंकि ये चीज़ है मान के चलो, घिसावट वाली या टूटने वाली जैसे चलेगी फील्ड में, उस टाइम ईजी रहता है ऑपरेटर को भी और प्लस मालक को भी। और अब ये देखिए, रील है अपनी, आम में क्या 5 पाइपों वाली रील आती है, अपने में 6 और इसका डाया बड़ा है। इसके क्या जो क्रॉप है, जैसे गिरी हुई क्रॉप हो, खड़ी क्रॉप है, उस हिसाब से। और इलेक्ट्रिकल इसके आरपीएम कम ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कोई मैनुअल इलेक्ट्रिकल है इसकी ड्राइव, वो कहाँ पे लगा हुआ है वो भी आपको बताते हैं। पहले इधर से आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा, भी आ गया इसका फ्रंट ऑगर आ गया अपना। इसमें भी फ्रंट किली है, इसकी भी खासियत है। आम की जो मान के चलो, जैसे फील्ड में चलती क्रैक हो जाए तो मान के जो बीच में गिरती है अपनी, इसमें अंदर ही गिरेगी, इसके लिए क्या फ़ायदा है, नुकसान नहीं होता किसी भी मटेरियल का लोअर पार्टिकल से। अच्छा, हाँ आज हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर साहब को। ये रहा भैया इलेक्ट्रिकल मोटर, जो हाँ आरपीएम, जो रील के आरपीएम कंट्रोल कर सकती है यहीं से कंट्रोल कर। हाँ, इसका ये वायर लगा हुआ ऊपर अपना लग जाता है, पुश बटन से है, जैसे आप कहते हैं पुश बटन है। हाँ, पुश बटन से हाई लो आरपीएम होते हैं। अच्छा, मतलब और गाड़ियों वो जैसे वो उसमें लोकल में क्या बेल्ट चेंज करनी पड़ती है, उसका कुछ करती चाबी पाना लेके खोलना पड़ता है अपने में, वो नहीं। इलेक्ट्रिकल है, कितना जितना आरपीएम अपने को फील्ड में चाहिए अकॉर्डिंग, जैसे कभी कोई फसल काट रहे हैं, जैसे गिरी हुई फसल काट रहे हैं, उसमें आरपीएम के चक्कर, रील के आरपीएम कम चाहिए होते हैं, खड़ी में थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं, फील्ड वाइज वो सही रहता है। अभी कैसे कंट्रोल, इजी कंट्रोल है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी इसमें अपने जो वोबल गियर बॉक्स आ गया, उसकी खासियत है कटर बार में। ये देखिए मोटर, आम में क्या बिल्कुल ये परफेक्ट डिज़ाइन है, जिसे आप कह सकते हैं परफेक्ट। आम लोकल में आप देखते होगे उसमें पलट के चलती है बेल्ट, इसमें अपने में क्या देखो बिल्कुल सीधी ड्राइव है। इससे क्या है, एक दो ब्लेड उसका भी स्लिप नहीं करेगा कटिंग टाइम में, जैसे कटिंग करते हैं ना कोई क्रॉप, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया रहता है। और अपने एक सेफ्टी फीचर है यहाँ पे, इसमें नट दिया हुआ है, नट बोल्ट देखिए ये वाला। ये मान के चलो कभी भी मशीन बाई चांस कोई चोक आ जाती है, हैवी मटेरियल आ जाता है, ये बोल्ट क्रैक टूट जाएगा, कहने का मतलब ब्रोकन हो जाएगा। अच्छा, बोल्ट जो टूट जाएगा, हाँ उससे क्या है, ये मेन जो मेन ड्राइव है जो आगे सप्लाई देती है क्रॉप की फसल की, वो ड्राइव रुक जाएगी, बाकी चलती रहेगी। ये स्पेयर में बोल्ट पड़े हैं, यहाँ पे टूट जाए तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा दिए हैं स्पेयर में। और कोई खासियत हो इसकी, इसमें मोटर आ गई एक्स्ट्रा, बाकी में एक्स्ट्रा मोटर दे दी। हाँ, वॉबल गियर बॉक्स आ गया, बाकी कंबाइन में नहीं आता, आपने देखा कंप्यूटर में आती है, पर उसमें नलका टाइप में मोटर आती है। अच्छा, इसमें अपने का परफेक्ट डिज़ाइन है प्रॉपर। हाँ, ये बात सही है। हाँ, बाकी चलिए अभी हाँ मशीन का रिव्यू करते हैं, साइड से जाइए जी। क्वालिटी वाइज बात करते हैं, थोड़ा क्वालिटी वाइज भी बात करेंगे, टेक्निकल भी दोनों बात करेंगे। ये तो अपना जी मान के चलो थ्रेशर आ गया धान का, ये थ्रेशिंग करने वाला न्यू गाड़ी है मान के चलो। ये तो किट चेंज होती है, जैसे दूसरी गाड़ी का सेम प्रोसेस है मान का भी, इसमें गेहूं वाली किट लगी है, ये धान वाली किट है। अच्छा, अभी ये धान वाली किट लगी हुई है? नहीं नहीं, ये धान वाली है, ये बाहर में है, और गेहूं वाली साथ में लगी जो सीजन के टाइम पे। अच्छा, वो चलती है। और क्वालिटी वाइज बात करें, फीडर की प्रॉपर्टी देखें, आम में कह रही बिल्कुल बतली, इसमें देखें एंगल टाइप है और हैवी है पट्टी पूरी, काफ़ी हैवी देख। हाँ, देखने से पता चलता है। बाकी इसमें अपना 130 हॉर्स पावर इंजन है जी कंबाइन में, आम में क्या 104 आता है,
उसका मेन रीजन क्या है, अपनी कंबाइन दूसरे से, एक तो कटर बड़ा जी रहे दिन बड़ा कटर देने का, और ये डबल ड्रम है वो भी आपको बताएंगे कहाँ पे लगा हुआ है इसमें। अच्छा, डबल ड्रम के साथ। हाँ, उसे डबल ड्रम से ये क्या फ़ायदा भाई जी, मशीन का एक तो ज़्यादा स्पीड से काटती है। अच्छा। और जो थोड़ा बहुत पीछे रह जाता है दाना वाने का। हाँ नहीं, ये प्रेशराइज है। हाँ जी, जो सिलेंडर लगा हुआ है कुछ बटन से स्टार्ट होती है। ये आगे जी अपना फ्रंट थ्रेशर जिसे हम कहते हैं पहला ड्रम, बाकी उस साइड से ज़्यादा दिखाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल मोटर लगी हुई है जो आरपीएम कंट्रोल करती है। अच्छा, यहीं से कंट्रोल होता है इसका। हाँ, इलेक्ट्रिकल मोटर है, जैसे रील पे लगी हुई है वैसे सेम यहाँ पे थ्रेशर के आरपीएम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मोटर में आरपीएम मीटर भी है अपना ऊपर दिया, वो भी दिखाएंगे। आरपीएम मीटर है या एक ही आरपीएम मीटर है इसके अंदर भी, उससे कंट्रोल करें अपने। जो मान के चलो उसका तो आप मैनुअल देख सकते हैं रील का जी। अच्छा। वो कंट्रोल होती है, उसमें मीटर नहीं लगा हुआ। जो थ्रेशर है इसका मान के चलो अलग आरपीएम है, जैसे इंजन आरपीएम रिलेटेड है वो अलग आरपीएम मीटर है, वो अलग अलग है वो तो अलग अलग है। हाँ हाँ, थ्रेशर का अलग है, इंजन आरपीएम का अलग है। नहीं तो बाकी जैसे आपकी ये मशीन है इसके अंदर डबल ड्रम दिए आपने। हाँ जी, थ्रेशर ड्रम है। हाँ जी, तो उनकी क्या खासियत है, अभी कौन कौन सी फसलें हैं वो निकाल सकते हैं अपने? डबल ड्रम में सभी क्रॉप में चलेगा, वो तो चेंज करने की जरूरत नहीं। जो पहला ड्रम होता है ना वो चेंज करना पड़ता है, इसमें सभी क्रॉप निकलते हैं। डबल ड्रम का यही फायदा है, एक तो मशीन का जैसे कटिंग काटती है, मान के चलो जैसे पहले में चल रही है गाड़ी, इसे डबल ड्रम से फायदा दूसरे में चलेगी गाड़ी अपनी। अच्छा, ठीक है, स्पीड वाइज। हाँ भाई, इसमें थोड़ा बहुत जो नुकसान है वो कम रहता है फसल का, सफाई अच्छी रहती है भी, मान के चलो दाना वगैरह नहीं आने की। आरपीएम रहती है आपकी इस मशीन की जैसे? ये रेटेड दूसरी मशीनें चलती है 1700 आरपीएम पे, ये अपनी है 2000 आरपीएम। दूसरी मशीनों से हाई स्पीड मशीन बोल सकते हैं वैसे। अच्छा। हाई स्पीड है मान के चलो, हाई स्पीड है। हाँ, बाकी आ जाओ इधर आ जाओ, मेन देखो सिस्टम दिखा दीजिए पूरा। ये अपना थ्रेशर आ गया, ड्राइव आ गई, ये अपना ब्लोअर फैन आ गया जी, पंखा जैसे करते हैं सफाई, जो सफाई करता है इसके भी मान के चलो लीवर लगा हुआ। आम में क्या मशीन में क्या करना पड़ता है, इसमें पुलियाँ चेंज करनी पड़ती है। अच्छा, इसके अंदर कट दी है? इसमें कट है अपने मान 300 से लेके 1200 आरपीएम होते हैं। इसमें कोई बेल्ट बदलने की लोड नहीं, कोई पुली चेंज करने की लोड नहीं। लोकल कम मशीन में आपको क्या, उसमें पुली चेंज करनी पड़ेगी, बेल्ट चेंज करनी पड़ेगी, उसमें ईजी है। ये आपका सिंपल है, ये सिंपल लॉक निकालो, जितना आपने टक ऊपर नीचे करना है, थोड़ा ड्राइव जैसे ड्राइव आएगी उस टाइम पे इजी होता है ये बिल्कुल, जब चलती हो तो। हाँ हाँ, आसानी से कर सकते हैं, आसानी से होता है। बाकी रेडिएटर में लगा हुआ अपना क्लीनर, रेडिएटर क्लीन नहीं करना पड़ता, काफी बड़ा दे रखा है। हाँ, वो रेडिएटर क्लीनर है जी पूरा। अच्छा। मान के चलो ये क्या रेडिएटर है, जैसे चलती है गर्दा वर्दा आता है कंबाइन पे, वो क्लीन हो जाता है, ऑटोमेटिक क्लीन करती है फील्ड में, जैसे चलेगी इसका ड्राइव है वो जैसे चलती रहेगी, रेडिएटर चौक में वो नहीं होगा, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अपना डीजल टैंक आ गया, ये कंप्रेसर आ गया, कहीं एयर वेयर मारनी और सफाई करनी जैसे गाड़ी, कंप्रेसर साथ में है जी इसे आप। ये दो बेनिफिट है, एक तो जैसे गाड़ी शाम को चल के खड़ी होती है धूल मिट्टी में, ड्राइवर साफ इजी कर सकता है कोई। हाँ, एयर वेयर वगैरह भरने के दो तीन कंपनी साथ में पाइप वगैरह देती है। हाँ, पाइप सब कुछ आता है जी, ये यहाँ पे लगा पाइप भी पड़ी होगी टैंक में पड़ी होगी, आपको दिखाएंगे यहाँ पे ज्वाइंट हो जाती है निप्पल, वो निकाल रखी है ना अभी जैसे देती है वो होता है पूरा का पूरा। तो आपका इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कितने लीटर का? 300 लीटर का जी। 300 लीटर? हाँ जी। नहीं, एक साइड में या दोनों साइड में? नहीं नहीं, एक साइड में ही 300 लीटर। अच्छा। हाँ, और बताइए इसकी खासियत। आ जाइए सीप पे, आ जाइए जी, सिंपल है ये अपना, देखिए मैकेनिज्म बहुत इजी है आम कंबाइन के मुकाबले, देखिए तो ये देखिए इजी हैंडलिंग है। जैसे कोई बंदा अनजान से अनजान को बोल दे खोलना है आम में का चाबी पाने से करना पड़ता है। अच्छा। सिंपल इसमें हैंडल दिए हैं, यहाँ से कर सकते हैं, हैंडल इजी है इसमें, और सीप एक एक्स्ट्रा दे रखी है, उसी के कारण है कि सीप की सफाई बड़ी आती है। अच्छा। हाँ, और ऊपर ये स्टाफ अगर गुट के आ गया आम में का, आप देखा होगा कंबाइन में सीधे रहते हैं वो। हाँ। कई बार क्या सीजन में चलते टाइम गुट का टूट जाए, इसमें क्रैंक ये डैमेज होने का डर रहता है, जो स्टाफ वर्कर बोलते हैं स्टाफ वर्कर है। अच्छा। ये डैमेज होने का डर है, इसका ये कैप दे दिया पूरे का पूरा, मान के लो कल को डैमेज होने का डर नहीं है, जब मान ब्रोकन भी हो जाए तो नीचे नहीं गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा, इसकी सेफ्टी है जी। आपको डबल ड्रम के बारे में बताते हैं भाई साहब, जो कह रहे थे ये तो आ गया जी, ये तो अपना फर्स्ट ड्रम आ गया जी, सभी में कंपलसरी रहता ही रहता है। अच्छा, ठीक है। और ये गाइड ड्रम आ गया, ये यहाँ तक आम दो मशीनों में सभी लोकल में यहाँ तक आता है। अपना एक्स्ट्रा फीचर क्या है, ये डबल ड्रम है अपना। हाँ, ये एक ऑक्स्ट्रा, तीन ड्रम हो गए कहने का मतलब अपनी कंबाइन में। एक तो वो फ्रंट में, नहीं नहीं एक तो ये हो गया जी फर्स्ट थ्रेशर। अच्छा। और गाइड ड्रम।
ये दोनों में रहता ही रहता है। आम लोकल किसी कोई भी कंबाइन ले लो, सभी में ये दो तो रहती रहती हैं। ये तीसरा अपने में एक्स्ट्रा, इसका क्या फ़ायदा है? इसकी स्पीड बढ़िया, माल का फ्लो ज़्यादा जल्दी कर, आगे से मशीन जितनी जल्दी खाली होगी उतनी बढ़िया चलेगी जी। मतलब कहने का मतलब कहने का काम है वो जल्दी निपटाएगी, जल्दी निपटाएगी जी। इसके चोकिंग नहीं होनी, चोकिंग नहीं होती। हाँ और इसमें यहाँ देखिए डबल माने चलो थ्रेशर चेंज करने की जरूरत नहीं, इसमें आरपीएम है जी। हाई लो बेल्ट से इधर बेल्ट ड्राइव चेंज करो, सिंपल इजी है। कोई ना जाना मैकेनिक ने चेक कभी कहता है ना किसी को होता डाउट भी ये ड्रम चेंज करना पड़ेगा, ये ड्रम कभी चेंज नहीं होगा। इसकी सेटिंग है बास्केट ओपन और क्लोज और आरपीएम हाई और लो। नहीं तो अपने जैसे इसमें सरसों है उसकी फसल को निकालें तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए भी कितना का आरपीएम रहता है इसका गाड़ी का अपनी का। भाई जी आरपीएम मान के चलो पहले तो सरसों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जी, अपने जैसे कटिंग करते हैं ना और रील झाड़ देती है। सबसे अपनी खासियत क्या रील की, सबसे कम आरपीएम हो जाते हैं रील के जो लोकल में। हाँ जो मान के चलो जैसे भी कटिंग होते ना हाथ लगने से जड़ जाती है, कहने का मतलब सिंपल भाषा में बोले तो भी जैसे हाथ लगता है सरसों पकी कर जड़ जाती है। तो उसका मेन रीज़न अपना सरसों सबसे बढ़िया, तो एक तो रीज़न है कि आरपीएम जितने अपने को चाहिए उससे भी कम हो जाते हैं अपनी फसल कटाई के लिए। जैसे हाथ लगाते हैं ना कहने का बोतलो उतने ही आरपीएम रहते हैं भी, उससे क्या कभी दाना गिरता नहीं है। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद ड्रम आ गया, स्पीड अपने हाथ में जी कितनी करनी है। डबल ड्रम भी इसमें थोड़ा बहुत जो बच गया ये पहले तो ये थ्रेशिंग करेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत जो थ्रेशिंग बच जाता है वो सेकंड ड्रम और करता है। हाँ जी हाँ जी। इसमें भी सेंसर दिए हुए, ये देखिए सभी आरपीएम मीटर आपको ऊपर दिखाएंगे। ये देखिए सेंसर दिए हुए हैं, इसमें आरपीएम नोट होते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर हैवी गियर बॉक्स है अपना खुद का। आपने ज़्यादा इस कंबाइन में इलेक्ट्रिक जैसे मोटर है उसका यूज़ किया है? हाँ जी हाँ जी। दूसरी कंबाइन में ये मैनुअल रहता है, मैनुअल रहता है जी। ये देखिए यहाँ पे लोकल कंबाइन में एक और खासियत बताता हूँ जी, यहाँ पे ना लोकल कंबाइन में सिंपल पटा था बेल्ट, वो ये बेल्ट आ गया थ्री ग्रुप। इस बेल्ट का क्या फायदा जी, बेनिफिट कभी इसके आरपीएम ड्रॉप नहीं होगा, मशीन चोक होने का चांसेस बहुत कम है, स्लिप नहीं करेगी। आम बेल्ट में आप देखिए उसमें पटा रहता है पूरा, भी मान के चलो स्लिप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं फ्लैट पटे में, फ्लैट पटा बोलते हैं अपने में बेल्ट है। आप ऊपर से दिखा दे अपना भी अनलोडिंग ट्यूब आ गया पूरा। तो इसका जैसे ये लगा जाने वाला जो टैंक है वो कितने का है? 26 क्विंटल आना आ जाता है इसमें गेहूं। 26 क्विंटल? हाँ जी। और टायर की बात करें तो इसका टायर वगैरह बताइए। 18-4-30 का साइज है जी इसका, पिछला 9-16 का है जी। अच्छा पिछला 9-16 का। हाँ जी। नहीं तो इसमें 4x4 भी आता है या नहीं? 4x4 की लगभग जरूरत नहीं, ज़्यादा 4x4 की जरूरत तो शेरिया में जहाँ पे सेम जा वगैरह जाता है। बाकी अपनी मशीन की खासियत क्या है इसके ना, ली मान के चलो लोकल कंबाइन का क्या होता है, एक टायर अंदर चलता है दूसरे बड़े टायर से, ये दोनों साइड सेम चलते हैं। ये दोनों मतलब पीछे वाला सेम एक को साइड में एक को ली में चलते कहने का मतलब। ये बात आपने सही कही है कि दूसरी गाड़ियों में वो पिछला हिस्सा है वो छोटा होता है। हाँ कॉम्पैक्ट होता है भी वो, एक दो ना ये टायर से अंदर टायर चलता है। जैसे थोड़े बहुत गीले खेत में वो कंबाइन फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसके फंसने के इसलिए कम चांसेस है क्योंकि बड़ा टायर निकल गया छोटा है उसके पीछे निकल जाएगा, अलग से नहीं जाएगा। बाकी चलिए हमें थोड़ा सा इसका डैशबोर्ड वगैरह विजिट करवाइए। हाँ जो हम पहले तो इसकी सीट के बारे में बताइए, अभी दूसरी कंबाइनों में मैंने पहले कभी ऐसी सीट नहीं देखी। नहीं ये सीट जी बड़ी कंफर्टेबल सीट है, जो ऑपरेटर चला रहा है उसको कंफर्टेबल भी होता जरूरी है उसके लिए। मेन तो जैसे एडजस्ट करनी है सिंपली जी एडजस्टमेंट कर सकते जैसा भी है, ये देखिए ठीक है। बाकी हाँ वेट के लिए अप डाउन है, जितना आप अप डाउन भी कर सकते हैं। कोई आदमी जैसा मेरे जैसा माला लंबी हाइट का होता है, कोई नॉर्मल हाइट का होता है, सभी एक जैसे नहीं, उनके लिए सही रहता है। हाँ नहीं तो इसके और क्या एयर वगैरह होती है? नहीं नहीं एयर नहीं, सिंपल है, प्रेशराइज है, सिंपल मैकेनिज्म है जैसे रहता है सीट का। अभी अपने कर लेते हैं बात डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड में सबसे पहले जी आपको बता दें, हम सबसे सेफ्टी फ्लिच है अपने क्लच में। अच्छा। जैसे भी आप ये देखिए बिना राउंड किए स्विच की करेंगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये देखिए। अच्छा। सबसे इसमें सेफ्टी है, कई बार होता है बच्चा वगैरह चढ़ जाता है, सबसे पहले सेफ्टी इसमें क्लच दबाएंगे तो फिर ही मशीन स्टार्ट होगी। अच्छा क्लच दबाने के बाद में मशीन है वो स्टार्ट होगी, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगी अदरवाइज ये मशीन। अब मीटरों के बारे में आपको जानकारी देता है, ये फर्स्ट लीवर है हाई लो, इससे हाइड्रोलिक हाई लो है। अच्छा ठीक है। ये अपना फीडर अप डाउन आता है इससे, ये रील अप डाउन होती है। अच्छा जो अपने रील नाल बताया था, ये मैं इलेक्ट्रिकल बटन बता रहा ना ये वाले, ये देखिए ये टैग भी लगा हुआ है आरपीएम कंट्रोल के लिए। देखिए ये रील का है, ये थ्रेशर का है। ये जैसे पुश करेंगे खरगोश की तरफ हाई है और कछुए की तरफ लो है, ये अपना थ्रेशर का आरपीएम मीटर आ गया जी।
इसमें थ्रेशर के आरपीएम मीटर दिखते हैं कितने अपने को आरपीएम चाहिए, 500 चाहिए, 600 चाहिए, 700। इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसे सिंपल कंट्रोल है पुश से, हाई लेक सिंपल पुश इलेक्ट्रिकल पुश है, जितना अपने को आरपीएम चाहिए 50-30 जितना करना है भी 500-600 चाहिए, जितना 20-30+50 कम ज़्यादा करना है सिंपल हो जाते हैं। ये गियर आ गया जी, 4 स्पीड है, 4 फॉरवर्ड है, 1 5 बैक है। आम में कहते हैं 3 फॉरवर्ड आते हैं, 4th बैक आता है। अच्छा, ये अपने में एक मैंने 4 फॉरवर्ड के दे दिए, एक वर्ष का 5th बैक का है, और स्काई वॉच लगा हुआ अपनी गाड़ी में। अच्छा, ये देखिए स्काई वॉच और दिया गया, स्काई वॉच और दिया गया अपना भी, गाड़ी भी आप देख सकते हैं लोकेशन वाइज कहाँ पे चल रही, ट्रैक भी कर सकते हैं गाड़ी को भी, गाड़ी बंद है खेत में भी होता ही, अगला कस्टमर को भी कई बार होता है कहाँ पे है, ड्राइवर वगैरह को भेज देते हैं, ड्राइवर वगैरह भेज देते हैं। ये जी अपना आ गया फील्ड वाला, फील्ड में आरपीएम सेट करने के लिए भी हाथ से, बाकी इलेक्ट्रिकल रोड वगैरह पे चलाने के लिए पैर वाली है रेस। अच्छा। और ये हाथ वाली जैसे फील्ड में तो क्योंकि बार बार 2000 आरपीएम पे सेट करके चलती है, जैसे तो खेत में चलेगी 2000 सेट करना पड़ता है, क्योंकि पैर से करेंगे तो कम ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं वो झटके झटके, हाँ इसलिए रोड पे ये दिए हुए है, खेत में चलाने के लिए ये लीवर है जी, इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके बाद आ गया अपना ये बास्केट है, जो जैसे थ्रेसर के हम बास्केट दिखाए ना, इजी पॉइंट है ड्राइवर के पास में, जितने ऊपर नीचे करना है कर सकते हैं अपन। अच्छा, इसी अपने आसानी से कर सकते हैं। सिंपल पुश है, आम में क्या है ध्रुव लगा होता है ड्राइवर से इस साइड में। अच्छा, 130 HP का हैवी इंजन है, बड़ा रेडिएटर है, 130 HP का इंजन। हाँ जी हाँ जी, कौन सी कंपनी का इंजन है? कमिंस कंपनी का इंजन। अच्छा, इसमें दिखाएंगे किसान भाइयों आपको। हाँ, हम पीछे इंजन है। हाँ, वो भी दिखाएंगे तो साइड जाएगी। और कोई खासियत यहाँ पे डैशबोर्ड में? डैशबोर्ड जी सिंपल है, वो बता दिया आपको, इलेक्ट्रिकल पुश आ गया यहाँ पे, देखिए बैठ के देखिए कैबिन में पूरा आगे का व्यू दिखता है कैबिन में, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक भी ऐसा दिक्कत नहीं देखने में, जैसे फील्ड में चलती है गाड़ी पूरा व्यू दिखता है, ईजी है ऑपरेटर मैनुअल में। नहीं तो इसके अंदर एसी केबिन वाली भी आती है? हाँ, उसमें 2 मॉडल आते हैं, ये कनोपी वाली आप व्यू कर रहे हैं, इसमें एसी केबिन भी आती है। अच्छा, उसमें कैब लग जाती है पूरे के पूरे, पैक हो जाता है, बाकी जैसे बाकी सेम ऑपरेशन सेम है। अच्छा, बस उसमें एसी और कैब आ जाता है पूरा। इसके बारे में ये अपना सेफ्टी हैंड ब्रेक आ गया जी। ठीक है, ये अपना मेन लीवर आ गया, जिससे जैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे फील्ड वगैरह में स्टार्ट करते हैं कटिंग के टाइम पे, ये फ्लैट का लीवर है, जो ये हेडर चलता है ना आगे, जो आपका हेडर बताया उसका लीवर ऐसे होगा, ये दाने बाहर निकालने के लिए टैंक से। अच्छा, और हाँ जी हाँ जी, ये बहुत हैवी टैंक है अपना, देखिए बहुत बड़ा है, काफी बड़ा टैंक दे रखा है इसका दूसरों से। ये देखिए जी जी, और कोई खासियत आपकी मशीन की हो? और ये लगभग तो आपको सभी गिना दी, और बाकी क्वालिटी वाइज अपनी मशीन का ऐसा नहीं है, जैसे भट्टी पेंट लगते सभी पहले पेंट होती है मशीन, फिर पार्ट फिटेड होता है। अच्छा, बाकी ब्रांड होती है? हाँ, पहले पेंट होती है, नहीं मशीन में क्या होता है सभी पेंट हो गए, बाद में मान के चलो लग जाता है फुहारा वगैरह लगाते हैं, ये देखिए सभी नट बोल्ट, आपको कोई नट बोल्ट पेंटेड नहीं दिखेगा, बाद में फिटेड हुआ है, पार्ट है जो पेंट हो गया अलग से, उसके अलग बाद में हाँ फिटेड हुआ है, असेंबल कर सकते हैं। बाकी आपको इंजन के बारे में तो बता देते हैं जी, 6 सिलेंडर है जी, 24 वाल्व है, कमिंस का जी, रेडिएटर देखिए अपना डबल है जी, इंटरकूलर प्लस रेडिएटर दोनों है। अच्छा। इसे गाड़ी का क्या है, बहुत हैवी रेडिएटर है, कभी गाड़ी गर्म होने के चांसेस नहीं है। हाँ, इतना बड़ा रेडिएटर दे रखा है उसके अंदर से। ये टर्बो चार्ज आ गया, टर्बो चार्ज भी रूटर पंप है। अच्छा, टर्बो चार्ज भी रूटर पंप। हाँ जी जी, ये हाइड्रोलिक टंकी आएगी जिससे हाइड्रोलिक अपना पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम ड्राइव मिलती है, पंप लगा हुआ है, वो जो ऑयल है वो ही। हाँ, हाइड्रोलिक नहीं, हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ पे, जिससे मान के चलो आर हाइड्रोलिक के लिए। हाँ जी हाँ जी, तो वो हाइड्रोलिक पंप लगा है ये। हाँ जी हाँ जी, मतलब यहाँ से कंट्रोल होता है। हाँ जी, ये टर्बो आ गया, ये ड्राई अपना फिल्टर, एयर फिल्टर आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत देने के लिए, थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत आपकी बहुत मेहरबानी है रिव्यू करने के लिए। हाँ जी, तो किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियोज है जो आप तक जल्द से जल्द पहुँच के। तो लव यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई।